हेलो फ्रेंड्स, आप एक अच्छा गायक बनना चाहते हो? ज़्यादा से ज़्यादा पुराने गीत सुना कीजिए। अच्छा गायक बनने के लिए ईयर ट्रेनिंग का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। कानों से सुरों को पहचानने की आपकी कैपेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप सुर सही तरह से समझ पाओ, इसीलिए ये पिछले 3 साल से ईयर ट्रेनिंग के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। आप इन्हें रोज़ देखा कीजिए और बचते सुरों को पहचानने की कोशिश कीजिए। कई संगीत प्रेमी ये कर रहे हैं, उनको ये आदत सी हो गई है और सफलता भी पाई है। आप ये कोशिश हर दिन करते हो तो आप भी ज़रूर सफलता पाओगे। इस वीडियो में भाग एक और भाग दो ये बिगनर्स के लिए है और तीसरा भाग थोड़े एडवांस्ड लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं। तो ये हर दिन कोशिश कीजिए और ऑल द बेस्ट टू यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। ये है भाग पहला। बजते हुए सा के बाद जो एक स्वर बजा है वो स्वर पहचानेंगे बिगनर्स। और एक बार सुनिए, फिर से सुनिए। भाग दो, बिगनर्स पहचानने की कोशिश करेंगे सा के बाद बजते हुए दो स्वर। फिर से सुनिए। और एक बार सुनिए। एडवांस स्टूडेंट्स, आप कोशिश करोगे ये क्लस्टर के स्वर पहचानने की। ये रहा आपका सा। और एक बार सुनिए। फिर से सुनिए। ये रहे तीनों भाग के उत्तर। भाग एक, बजते हुए सा के बाद जो एक स्वर लगा है वो है ये है ग कोमल। भाग दो, बजते हुए सा के बाद जो दो स्वर लगे हैं वो है इसमें म तीव्र है और रे कोमल है। एडवांस स्टूडेंट्स के क्लस्टर के स्वर ये है, नी सा ग रे सा। इसमें ग और रे दोनों स्वर कोमल है। पैच दो, नी सा म ग रे सा। इसमें म तीव्र लगा है, ग कोमल लगा है, रे कोमल लगा है। इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर 8879183901 पर फ़ोन कर सकते हो। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।